आपदा में अवसर नजर आ रहा है क्या? लोग यहाँ पर लोग जीवन क्या और अगर उसमें भी आपको दो टाइम देने एक टाइम कर रहे हैं, आपको अपने घर से पैसा देना है कि घर से आप अनाज दे रहे हैं? सरकार की तरफ से आया उसकी स्थिति हम लोग की कम से कम इस समय तो कम से कम थोड़ा सा मानवता रखिए अंदर में। एकदम बताओ नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। देखिए, बिहार के कई ज़िलों में बाढ़ आई हुई है और बाढ़ से लोगों का हाल बेहाल है, लेकिन ऐसे में अगर अच्छे जनप्रतिनिधि हों तो वो लोगों का सुख दुख जानते हैं, समझते हैं। कई नेताओं की तस्वीरें आप इन दोनों देख रहे होंगे जो बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। कई सांसद हैं, कई विधायक हैं, कई मंत्री हैं। लेकिन अब देखिए, खगड़िया की तस्वीर दिखाएंगे आपको। खगड़िया में राजेश वर्मा जो कि वहाँ के सांसद हैं, सिमरी बख्तियारपुर पहुँचे थे। सिमरी बख्तियारपुर में उन्होंने गजब क्लास लगा दी है, आग बबूला हो गए हैं वहाँ के सीओ पर और कहा है कि घड़ी में समय आपने देखा है, आप नाश्ता करके आए हैं। उन्होंने पूछा है, आप नाश्ता करके आए हैं, क्या ये समय है लोगों को खाना खाने का? 11 बजे सुबह तक लोगों को खाना नहीं मिलेगा। नीतीश सरकार एक तरफ जहां कह रही है कि हम फूड पैकेट्स बंटवा रहे हैं, कम्युनिटी किचन्स का इंतज़ाम कर रहे हैं, लेकिन कम्युनिटी किचन्स में लोगों को खाना मिल कितने बज रहा है, ये भी एक विषय है, ये गंभीर विषय है। सरकार खाना दे रही है, सरकार पैसे दे रही है, लेकिन अधिकारी समय से काम नहीं कर रहे हैं, जिससे सरकार की ही किरकिरी होती है। राजेश वर्मा जो कि लोजपा रामविलास के सांसद हैं, वो अपने क्षेत्र में दौरा कर रहे थे, बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में लोगों की मदद करने पहुँचे थे। क्या कुछ उन्होंने कम्युनिटी किचन में जाकर कहा है लोगों के बीच में? गजब क्लास लगाई है वहाँ के सीओ की, ज़रा सुनिए। जब सरकार बोल रही है इस आपदा की घड़ी में आप लोग को दो टाइम देना खाना, एक टाइम जो तुझे खाना खाना में नहीं घटोला कर रहे हैं, 11 बजे और शाम 6 बजे या शाम को 6 बजे, कल सुबह 11 और 6 दो टाइम खाना को मिलना चाहिए। आप लोग को आपदा में आप लोग को आपदा में अवसर नजर आ रहा है क्या? लोग यहाँ पर लोगों का जीवन क्या हो रखा है उसमें भी आपको दो टाइम की जगह एक टाइम कर रहे हैं? आपको अपने घर से पैसा देना है कि घर से आप अनाज दे रहे हैं? सरकार की तरफ से आया उसमें स्थिति आप लोग की कम से कम इस समय तो कम से कम थोड़ा सा मानव तो रखिए अंदर में। एकदम बता वापस आ रही है जवाब दे। क्या स्टार्ट है? एक मिनट इधर आओ, इधर आओ। कितना टाइम हो रहा है? समय कितना हो रहा है? 11:44। आप नाश्ता करके आए हैं? और यहाँ लोगों को आप शाम में 5 बजे करेगा नाश्ता? 11 बजे खाना मिल जाना चाहिए, तभी आपका पानी गर्म हो रहा है। सरकार की बदनामी होती है, प्रशासन की बदनामी होती है, जनप्रतिनिधि की बदनामी आप लोग के कारण होती है। वही कह रहे हैं, इस तरह के पदाधिकारी आपकी और सरकार की दोनों की छवि ये लोग खराब कर रहे हैं। अब बताइए, 12 बजे पानी गर्म करने के लिए चला तो राजेश वर्मा की ये वीडियो आपने देखी है, लोग इनकी तारीफ भी कर रहे हैं, काफ़ी प्रशंसा कर रहे हैं, उनका ये पहल सराहनीय है। देखिए, अधिकारियों के चलते भी कई बार बदनामी होती है। नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री इन दिनों बाढ़ राहत बचाव केंद्र जो बनाया गया है जहां पर फूड पैकेट्स बनाए जा रहे हैं, वहां जाकर उन्होंने मटेरियल भी चेक किया है कि कैसा सामान लोगों के बीच में दिया जा रहा है, एयर ड्रॉप कराया जा रहा है। जिन जगहों पर पानी काफ़ी ज़्यादा है वहां पर ऊपर से यानी कि हेलीकॉप्टर से खाना दिया जा रहा है, फूड पैकेट्स दिए जा रहे हैं, उसकी जो क्वालिटी है वो भी बेहतरीन हो। और हर ज़िले में कम्युनिटी किचन चलाए जा रहे हैं जहाँ पर बाढ़ की तस्वीर निकल के आ रही है, जहाँ पर बाढ़ से लोग तबाह हैं वहाँ पर। ऐसे में राजेश वर्मा का गुस्से में भड़का हुआ जो ये अंदाज था, गुस्से में जो उन्होंने शब्द कहे हैं अधिकारी को, आपने सुना है और लोगों के दुख दर्द को समझा है। राजेश वर्मा की ये पहल सराहनीय है, उनका गुस्सा भी कुछ हद तक जायज है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।